महागठबंधन के नेतृत्व में सभी सीट जीतेंगे हम लोग और भारी मतों से जीत करके आएंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सत्ता बनेगी, कंफर्म है। हमें तो कोई चुनौती नहीं दिख रहा, हमें साफ रास्ता दिख रहा है कि एनडीए की जीत होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः सीएम बनेंगे। देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने भी अपने 115 उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो अंदर सिंबल लेने गए हैं, तो उनके समर्थक जो हैं वो बाहर यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सिंबल लेकर आएंगे तो उनका स्वागत हम करेंगे। जब हम ने अंदर से निकले जितने भी सिंबल लेकर नेता निकल रहे थे तो उनसे बात की, तो उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुनिए। तो पूरा बिहार में वन साइड गेम है, एनडीए के पक्ष में टोटल जनता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सत्ता बनेगी, कन्फर्म है। रामविलास जी का देहांत हो गया, इसमें आपको लगता है कुछ असर पड़ सकता है चुनाव पे? ना देखिए, उनका तो नेता थे, उससे तो सभी लोग दुखी है, लेकिन उससे चुनाव पर कोई असर उसर नहीं पड़ना है। बिहार की एक एक जनता एनडीए के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चाहती है आने वाले समय में। बधाई माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सभी सीट जीतेंगे हम लोग और भारी मतों से जीत करके आएंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। अपने नेतृत्व के विश्वास को जो है पूरा सर जमीन पर बहुत अच्छा रहेगा और पूरे बिहार में अच्छा रहेगा रिजल्ट और एनडीए का सरकार मजबूती के साथ बिहार में बनने जा रहा है। चुनौती मिलेगा? कोई चुनौती नहीं, कई का गठबंधन भी बन रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है और सारे जनता जानते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहे हैं। अभ्यास जी क्या लग रहा है इस बार? नहीं, हम लोग तो जो है कि वहाँ 25-30 हज़ार से लीडिंग करेंगे। अच्छा, और सरकार बनेंगे हम लोगों का? ठीक है। हमें तो कोई चुनौती नहीं दिख रहा, हमें साफ रास्ता दिख रहा है कि एनडीए की जीत होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः सीएम बनेंगे। पर आपके एनडीए के घटक दल कुछ दिन पहले थे लोजपा पर, अब वो पीडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे? कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी कम बैक कर लिए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन किया है, तो कितना फर्क पड़ेगा? बहुत सारे गठबंधन है, ओवैसी क्यों, आप बहुत सारे गठबंधन को आप देखिए, अभी बहुत सारी पार्टियां मैदान में आएगी, उससे कोई फर्क नहीं, एनडीए को नहीं पड़ने वाला। एनडीए का जो वोट है, जो मास है, जो उनके जनता के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास का वोट जितना आना है वो आएगा। और मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि पुनः नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार। तो आपने सुना, साफ तौर पर सारे उम्मीदवारों का कहना है कि इस बार पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से आपके एनडीए के ही घटक दल लोजपा अब बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और भारी बहुमत से इस बार पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार नेताओं के द्वारा यह दावे किया जा रहा है कि लोजपा के अलग होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो यह इस बिहार विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। गठबंधन के नेतृत्व में सभी सीट जीतेंगे हम लोग और भारी मतों से जीत करके आएंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सत्ता बनेगी, कंफर्म है। हमें तो कोई चुनौती नहीं दिख रहा, हमें साफ रास्ता दिख रहा है कि एनडीए की जीत होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः सीएम बनेंगे।